गाइज आर वेलकम बैक टू माई चैनल. कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. सो आज का वीडियो होने वाला है अमेजोन शॉपिंग हॉल. यस, मैंने अमेजोन से कुछ टॉप परचेज किए हैं जो मैं आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर करूंगी. एंड दिस इज माई फर्स्ट क्लोथिंग शॉपिंग हॉल फ्रॉम अमेजोन. मैंने अमेजोन से बहुत सारी चीजें खरीदी हैं अभी तक, बट कपड़े कभी नहीं खरीदे थे. तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है. एंड कैसा रहा, मुझे कैसे कपड़े रिसीव हुए, मेरा कैसे एक्सपीरियंस रहा अमेजोन की क्लोथिंग शॉपिंग में, सो वही मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी. एंड अगर वीडियो पसंद आए ना आपको तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा. एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी. एंड सो या विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्ट. टॉप मैं आपको दिखा रही हूँ, यह है ब्यूटीफुल सा टॉप बाय द ब्रांड सृष्टि. एंड इट हैज ब्यूटीफुल पीकॉक डिजाइन ऑल ओवर द टॉप, फ्रंट एंड बैक साइड पे. पूरे में इसमें आपको पीकॉक डिजाइन मिलता है. बोट नेक है इसका एंड बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन है. एंड इसका जो फैब्रिक है ना, जो मटेरियल है इसका, जो फैब्रिक है वो प्रॉपर कॉटन नहीं है, थोड़ा मिक्स है. बट गर्मियों के लिए फिर भी बहुत अच्छा है. प्योर कॉटन का नहीं है, मिक्स में है, ना ही पूरा सिंथेटिक है. तो काफ़ी सही इसका फैब्रिक है, बहुत सॉफ्ट. एंड इट हैज़ ब्यूटीफुल टेसल वर्क ऑन द स्लीव्स. आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा प्यारा सा टेसल वर्क दिया हुआ है स्लीव्स पे, जो कि बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है. काफ़ी सुंदर टॉप है, काफ़ी कंफर्टेबल है. आप ट्राई ऑन में देख ही सकते हो कि कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये पहनने के बाद. तो इसमें मेरा साइज है एल, लार्ज साइज में. जो मैं आपको दिखाऊंगी अगेन, वो बहुत ही ब्यूटीफुल सा क्रॉप टॉप है. एंड इट हैज़ ब्यूटीफुल कैट वर्क ऑल ओवर द टॉप आपको मिल जाएगा. बहुत ही सुंदर लग रहा है, जो कि ब्लैक कलर का प्रिंट है इसके ऊपर. हाफ स्लीव्स हैं इसकी. एंड इसका जो फैब्रिक है ना, वो कंप्लीट कॉटन फैब्रिक है, जो कि समर्स के लिए बहुत सही रहता है. एंड बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत सॉफ्ट है. पहनने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा था. इसे आप जीन्स के साथ वेयर कर सकते हो, इसे आप स्कर्ट के साथ भी वेयर कर सकते हो, बहुत ही सही लगेगा. एंड समर में इस तरह के कलर्स जो होते हैं ना, वो बहुत ही अच्छे लगते हैं पहनने में. तो ये भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल टॉप है. एंड जो प्राइस है ना, मैं यहाँ स्क्रीन पर डाल रही हूँ उनके जो भी प्राइस हैं. नेक्स्ट पीस जो मैं आपको दिखाऊंगी वो मेरा बहुत ही फेवरेट टॉप है इनमें से. एंड ये है ब्रांड बाय अनुतारा, अनुतारा फैशन. पिंक कलर में है ये. पूरे के पूरे टॉप में आपको ब्लॉक प्रिंटिंग मिलेगा, जो कि जयपुरी प्रिंट होता है ना, उस तरह का प्रिंट है इसके ऊपर. एंड राउंड नेक है इसमें. एंड यहाँ पे भी आपको बटन्स मिल जाते हैं इसमें. एंड इस टॉप में यहाँ पे एक डोरी दी हुई है, जो कि आपकी वेस्ट पे आती है. तो जब इसे हम थोड़ा टाई करेंगे ना, मतलब थोड़ा सा टाइट करेंगे, तो एक अच्छा सा लुक आ जाता है हमारी वेस्ट पे. एंड बहुत ही कंफर्टेबल है, इसका फैब्रिक प्योर कॉटन है. तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है पहनने में. बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी है, क्योंकि इसी तरह के जो कपड़े होते हैं ना, वही समर में अच्छे लगते हैं, जो कि हल्के भी हों एंड उनके कलर्स भी थोड़े अच्छे हों, कूल कलर्स हों एंड साथ में कम्फर्टेबल भी लगे पहन के. तो ये मुझे बहुत कम्फर्टेबल लग रहा है पहनने में. एंड जो नेक्स्ट पीस मैं आपको दिखाऊंगी वो है ये ब्यूटीफुल सा येलो कलर में. इसका शेड बहुत प्यारा है, बहुत ही प्यारा. एंड इसमें राउंड नेक है, आप देख सकते हो. इसका कलर इतना ज़्यादा ब्राइट है ना, ये पहनने पे बहुत अच्छा लग रहा है. एंड ये है ब्रांड बाय जेबी फैशन. एंड इसमें मेरा साइज है एक्सेल. और ये थोड़ा सा ना जो फ्लोई वाला होता है ना, नीचे से फ्रॉक स्टाइल में, उस स्टाइल में. एंड इसमें ना फ्रंट में आपको बेल्ट मिलती है, तो आप इसे फ्रंट साइड में टाई करोगे तो एक अच्छा सा लुक हो जाता है, जैसा कि आप ट्राई ऑन में देख ही सकते हो. एंड 3/4 स्लीव है इसमें. और इसमें भी ना जो बेल स्लीव्स होती हैं, उस तरह की स्लीव्स इसमें मिली हैं, थोड़ी लूज लूज सी इस तरह से. एंड इसका जो फैब्रिक है ना, वो सिंथेटिक है, कॉटन नहीं है इसका फैब्रिक. लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था मॉडल पे पहना हुआ, बहुत अच्छा लग रहा था. इसका कलर मुझे स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो इसलिए मैंने इसको परचेज किया. बट जब थोड़ा सा कूल वेदर होता है ना, उस दिन आप इसे वेयर कर सकते हो, या फिर अगर आप एसी वगैरह में बैठे हो, मतलब जहाँ थोड़ा ठंडा है, एसी चल रहा है, तो आप इसे वेयर कर सकते हो. अदरवाइज़ बिल्कुल गर्मी में तो नहीं पहन सकते सिंथेटिक. लेकिन हाँ, अगर आप ऐसी जगह पर जा रहे हो जहाँ एसी है, थोड़ा कूल वेदर है, तो आप इसे वेयर कर सकते हो. लेकिन ये बहुत ही सुंदर लग रहा है पहनने के बाद. लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा सी थ्रू है पहनने के बाद, हल्का सा मुझे ऐसा लग रहा है. अगर इसके अंदर कॉटन की लाइनिंग होती तो ये बहुत अच्छा लगता, और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता. बट इसमें लाइनिंग नहीं है, मुझे थोड़ा सा सी थ्रू लग रहा है. अगर आप धूप वगैरह में जाओगे तो काफ़ी, मतलब इसमें दिख सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है. क्योंकि मुझे पहनने के बाद पता चल रहा है कि ये थोड़ा सी थ्रू है. तो बस मुझे एक यही ड्रॉबैक इसके अंदर लगा, अदरवाइज दिस इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल पीस. सो गाइस, मैं एक और चीज़ आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ कि जब भी आप स्पेशली क्लोथिंग की शॉपिंग कर रहे हो ऑनलाइन, तो साइज चार्ट दे रखा होता है जब आप परचेज करते हो, तो साइज जरूर चेक कर लेना. कि क्या होता है ना कि हर एक ब्रांड का थोड़ा थोड़ा साइज का डिफरेंस रहता है. तो फिर आप मंगा लोगे, उसके बाद एक्सचेंज करो, काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है. तो आप एक बारी में ही अगर सही से शॉपिंग करना चाहते हो, साइज चार्ट जरूर चेक कर लेना. जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाला टॉप जो है मैंने लिया है एक्सेल साइज, जो कि आप देख सकते थे ट्राई ऑन में, बिल्कुल सही फिटिंग आई है एक्सेल में इसकी. बट ये वाला जो पीस लिया है मैंने, ये मैंने लिया है लार्ज. तो इस ब्रांड का मुझे लार्ज पीस भी बहुत अच्छा आया है.
तो इसीलिए मैंने साइज चार्ट चेक करने के बाद ही ऑर्डर किया कि इसका जो साइज चार्ट था वो मुझे लार्ज वाले में सही फिट लग रहा था एंड उसका जो साइज चार्ट था येलो वाले का वो मुझे एक्सेल में ज्यादा फिट लग रहा था, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग परचेज किया और मुझे कोई रिटर्न नहीं करना पड़ेगा इसको। सो या गाइस, अगर आप इसमें से कोई भी टॉप परचेज करना चाहते हो तो आप मेरे दिए हुए लिंक के थ्रू परचेज कर सकते हो। माई हॉल स्टोर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सिर्फ एक लिंक पे क्लिक करके आप कोई भी टॉप परचेज कर सकते हो, तो आपको सेपरेटली अलग अलग लिंक पे क्लिक करके परचेज नहीं करना पड़ेगा, तो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। माई हॉल स्टोर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।